हो गया। हेलो शुरू करिए। आज का दिन सिख कम्युनिटी के लिए बहुत हिस्टोरिक डे है और हम प्रधानमंत्री मोदी साहब का और उनकी कैबिनेट का सारे सिख बहन भाई धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज जो उन्होंने फैसला किया है, जो से हर सिख हर रोज दरबार साहब में भी, श्री अकाल तख्त साहब में भी, जितने भी गुरु घर हैं, हर रोज़ एक ही अरदास होती है कि हर सिख बहन भाइयों को हमारे जो गुरु घर हैं पाकिस्तान में, हमें वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी परमात्मा ऐसी बना दे जिससे खुले दर्शन हों। और आज और श्रोमणी अकाली दल की बहुत पुरानी ये डिमांड रही है सेंटर सरकार से कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर ये खोला जाए और उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे सिख संगत, देश की सिख संगत जब जी चाहे गुरु करके दर्शन कर सके। आज जो देश के प्रधानमंत्री ने 48 घंटे के अंदर दो ऐसे काम किए हैं जिससे सिख कम्युनिटी की 70 साल की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। दो दिन पहले परसों आपने सुना हुआ जो वर्डिक्ट आया है, 34 इयर्स के बाद जो SIT प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनाई उसका पहला रिजल्ट आ गया SIT का। और जिन्होंने, जो दोषियों ने जो हजारों सिख बहन भाइयों का कत्लेआम किया था, कोर्ट्स ने उनको सजाए मौत और उम्र कैद दी है। ये एक पहला इफेक्ट है, रिजल्ट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने SIT जो 2015 में बनाई। अब आज जो फैसले किए हैं यूनियन कैबिनेट में, फैसले किए गए हैं यूनियन कैबिनेट ने, आज फैसला ले लिया कि करतारपुर कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट ये कॉरिडोर बनाएगी डेरा बाबा नानक से इंटरनेशनल बॉर्डर तक, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो लाइजन करके बात करेगी कि वो अपना सेक्शन बनाए। और ये जो पहली इशू है कॉरिडोर की, आज धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी 70 साल की डिमांड मान ली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया करतारपुर कॉरिडोर। और दूसरी बात, सुल्तानपुर लोधी जो शहर है जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपना सारा जीवन वहाँ बताया, लंबा समा अपने जीवन का वहाँ बताया, सुल्तानपुर लोधी जी को, लोधी टाउन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देश की सरकार ने हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दिया है और उसको स्मार्ट सिटी जैसे बनाया जाएगा और सारा खर्चा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। वहाँ एक पिंड बेबे नानक दा एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बाबे नानक जी की याद पूरी हिस्ट्री विच वो बनाया जाएगा जो 100 एकड़ में होगा, वो भी सारा अट्रैक्शन वहाँ होगा, जो पिलग्रिम पूरे दुनिया से आते हैं वो बेबे पिंड बेबे नानक दा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी वहाँ वो जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। तीसरी बात जो ये कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन है इसको स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया है। और जहाँ जहाँ गुरु नानक पातशाह गए हैं वहाँ से ट्रेन्स सीधी यहाँ आएंगी। ये एक बहुत बड़ा जो काम है, जो टूरिस्ट को और जो श्रद्धालु थे जिनको ये प्रॉब्लम आती थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
एक कॉइन और एक पोस्टेज स्टैम्प गुरु नानक साहब जी के 50 साढ़े 500 साल एनिवर्सरी के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कॉइन रिलीज करेगी और एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज करेगी। एक सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी एक सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज और इंटरनेशनल सेमिनार गुरु नानक देव जी पातशाह दे जीवन बारे उनके मैसेजेस जो उन्होंने दिए हैं अब लाइव में उनके बारे में इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में। एक गुरु नानक देव जी के महाराज के नाम पर यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड और कनाडा में उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एक चेयर स्थापित की जाएगी जहां उनकी टीचिंग्स बारे उनके जीवन बारे रिसर्च की जाए। सेंटर सरकार ने सारी स्टेट्स को रिक्वेस्ट कर दी है सारी यूनियन टेरिटरीज को इंडिया की कि 550 साल गुरु नानक देव जी पातशाह के जो बर्थ एनिवर्सरी है पूरे देश में हर स्टेट मनाएगी हर यूनियन टेरिटरी में मनाया जाएगा और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कीर्तन दरबार कथा प्रभात फेरी लंगर ये सारी चीज़ें वहाँ हर स्टेज में हर स्टेट में बनाई जाएंगी। दूरदर्शन जितने प्रोग्राम हैं गुरु नानक देव जी महाराज के संबंध में पूरे साल चलेंगे दूरदर्शन लाइव पूरे देश में वो सारे प्रोग्राम दिखाएंगे। एक नेशनल बुक ट्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनको ऑर्डर किया गया प्राइम मिनिस्टर तरफ से कैबिनेट से कि गुरबानी को जितनी हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस हैं गुरबानी को सारी हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट किया जाएगा सो हर धर्म के लोग हर देश के कोने कोने के लोग गुरबानी को पढ़ सके और उनसे शिक्षा प्राप्त कर सके। कल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी फैसला किया है कि वो यूनेस्को को अप्रोच करेंगे और यूनेस्को की ड्यूटी लगाएंगे कि दुनिया की जितनी हर लैंग्वेज में गुरबानी को ट्रांसलेट किया जाए और उनकी टीचिंग्स को पूरे दुनिया में भेजा जाए और ये एक बहुत हिस्टोरिक फैसला होगा। चाइनीज़ रशियन स्पेनिश मैं क्या दुनिया की सारी लैंग्वेज में गुरबानी को ट्रांसलेट किया जाएगा। इट इज़ अ मेजर डिसीजन जो देश की सरकार का है और जितने भी इंडियन मिशन्स हैं दुनिया के अंदर जितने भी इंडियन मिशन हाई मिशन्स हैं वो सारे मिशन्स में 550 साल गुरु नानक देव जी पातशाह का बर्थ एनिवर्सरी को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा सारे इंडियन मिशन में दुनिया में एक साल। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं यूनियन होम मिनिस्टर के नीचे एक स्पेशल कमेटी बनेगी अंडर हिज सुपरविजन ये सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब मैं यूनियन मिनिस्टर से बेनती करूंगा कि आप भी अपने जो कैबिनेट में बात हुई अपने विचार दें। This is a historic decision after the independence of India for the Sikh community. And if I say in last 42 hours, there have been two historic decisions for which we will be eternally grateful to Prime Minister Modi, whether it is the constitution of the SIT which has finally brought to book one and two convicts of the 84 massacre, giving millions of Sikhs across the globe a ray of hope that justice is finally going to be served on the 84 genocide. And today, the decision that has been taken by the cabinet once again under the leadership of Prime Minister Modi is something which the Sikh community across the world, starting from Akal Takht Sahib, starts their ardas every morning
by requesting the Almighty that the Sikh Sangat may get darshan didar un guru gharon ke saath jinse humko bichhoda gaya hai. Ye hamari Sikhon ki ardaas mein har subah har sham ye ardaas hoti hai ki wo gurdham jinse humko bichhoda gaya hai unke darshan didar hame mile. Aur hamare pehle guru, our first guru, Guru Nanak Dev Ji's birthplace, which is just a few kilometers from the border of Punjab, and Kartarpur Sahib, where he spent a long part of his life, is something which can be seen across the border, where we can see the Gurdwara, we can even hear the Gurbani, but we can never do the Darshan Didar. So it has been a long standing demand of the community that a corridor be opened up from Dera Baba Nanak to Kartarpur Sahib, where pilgrims should be able to go and come back, take a matha, just like we go to any Gurdwara in our vicinity, because it is so close to us. This has been a long pending demand ever since India and Pakistan got divided. In 2010, the government of Punjab even passed a resolution in their Vidhan Sabha and requested the government of India that this corridor be made. Repeatedly, SGPC, DGMC, we have all been requesting successive governments. And when 550th birth anniversary was being planned by the central government, once again we met the Prime Minister, Vistar Prakash Singh Badal, our party president, and the entire Shromani Akali Dal delegation, along with DGMC members. We again met the Home Minister also and requested the same thing. And today I am so happy to announce that this historic long pending demand, today the cabinet has decided that this corridor is finally going to be made. Indian government is going to start the construction of this corridor from Dera Baba Nanak in Gurdaspur right up to the international border, simultaneously requesting our Pakistan counterparts that they start the construction from their side as well, so that the historic 550 years may be celebrated with this historic beginning of the two countries coming together, to keeping in mind the Sikh sentiments, so that we can move to a platform where more good news can be for everybody of every segment. So starting with this corridor, which we hope the Prime Minister himself will come and lay the foundation stone, the other things that have also been decided by the Prime Minister, that Sultanpur Lodi, where Guru Sahib spent many years of his life, where his sister was married, over there pinned Babe Nanak Da. This is something the central government is going to fund, and we hope the Prime Minister will lay the foundation stone over there of pinned Baba Nanak. Sultanpur Lodi itself will be developed as a heritage city and like a smart city. There also the railway station in Sultanpur Lodi will be upgraded at the earliest, because in 550 years there will be millions of pilgrims coming. A special train is going to be started connecting the routes of all the places that Guru Nanak Sahib had visited. So this train is also going to be launched very shortly. Piyush Goyal ji has told me that upgradation and this train is going to be starting very soon. A commemorative stamp and coin. But I think what is most historic is that how Book Trust of India is going to be printing the teachings of Gurbani and Gurbani in every Indian language, and then the government of India is going to request UNESCO to print it in every international language. As it is well known that today there are Sikhs across the world, in Israel, in Ireland, in South Africa, in Italy. There are many people who have come and joined the Sikh faith. And now for people of other faiths to be able to understand, because Sikhism is one of the most modern languages, where Guru Nanak Sahib only gave one message, Kirt karo, naam japo, vand chako. He says that work hard, pray to the Almighty and share what you have. And this is how the Langar Pratha, which is historic, the largest community kitchen which is run across the world, is which is in every Gurdwara, which feeds millions every day. So these things of Guru Nanak Sahib about community seva needs to be spread across the world, and I'm very happy that the government of India is going to take the initiative to spread these teachings in every Indian and international language. A center of interfaith studies is going to be opened up under for Guru Nanak Dev Ji and Guru Nanak Dev University, Amritsar. Same way, a chair on Guru Nanak Dev Ji is going to be established by the HRD Ministry in UK as well as in Canada, which I think is going to be
a big step in spreading the teachings of Guru Nanak Dev Ji in the youth, so that in the country, instead of strife and warfare, we live in harmony and peace with Guru Sahib's teachings. Doordarshan is also going to arrange all telecasts on all DD channels. Same way, across all the states, the central government is going to appeal that Guru Nanak Dev Ji's teachings, the langar, the kirtan, all these things are done across all the states from all the gurdwaras, and even the overseas missions are going to be requested to spread Guru Nanak Sahib's message, that Gurpurav be celebrated and the message be spread in all the high commissions also. So I think this is a very historic decision, and to implement all these 12 things, 15 things which have been decided by Prime Minister Modi, a high level committee is going to be set up by no less than the Home Minister chairing it, which is going to monitor, implement and supervise all these things being done over the next 1 year. So we are, as a community, we are extremely grateful to the Prime Minister, who we are going to go and thank. We are also going to send, our President is going to send a Sikh Jatha especially to Pakistan to request the Pakistan government that what our government has decided to do, we hope Pakistan does it as well. And this goodwill gesture for the Sikh sentiments is done by both the countries. So we, any questions? Well, we have just got the good news today, so everything is going to be planned, but it will be done very shortly. I think the government of India will take it up with the counterpart in Pakistan, because government of India has now already taken a decision. So now, I think they already in touch. Sir, and if that Mr. Pakistan made a statement, जरूर जरूर जावांगे जे अजी रिक्वेस्ट करांगे कि दसा की गल की है आ एक बहुत वड्डी कम्युनिटी दी मांग है हर अरदास मैं जिवें पहले जिक्र कीता है 70 साल तो असी अरदास कर रहे हैं परमात्मा ने साडी अरदास मान ली है सर मिस्टर सिद्धू सेड मेरा स्टेटमेंट आफ्टर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान दैट दे आर रेडी टू ओपन द कॉरिडोर हाउएवर डिनाइल केम आर यू होपफुल दैट दिस टाइम पाकिस्तान विल सी व्हाट हैपेंस आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन सिद्धू बिकॉज़ his comments, he comments every day and changes his comments every day, so I don't want to get into it. And what he said was already denied. And I don't want to get into it. So I am very, our government of India, it's a government of India, the government to government thing, and I'm very confident with the Prime Minister Modi ji, and I'm sure he's taken the decision, keeping everything in mind. For the first time, for the first Jaffi time ne pai hai ta jehda kal parso hoya hai oh Punjab ch oh shayad hoya hoga jinna Jaffi pai ohne bheje kal je bomb attack karn waste but for the first but we don't want to get into Sidhu to is not a person worth talking at this time. For the first time any government in the history of India has passed it in the cabinet that it should become a reality. I just want to know from whoever says anything, their governments have been here, what has happened, but this is a government which has taken a historic decision and nobody can take that away. So there were posters of referendum 2020 in Nankana Sahib and buildings were going there. How do you see this happening? First of all, I don't want to derail this press conference because it's a very happy occasion. But I had always said that, when we said last time also, that the present Congress government is playing with fire. Everyone, you ask your reporters there, and even now, the Congress MPs have also started. Navneet Bittu has himself come up, and the Jandar MPs also supported him with the policies which are followed by the present Chief Minister of Punjab, and their own MPs have started condemning him for that. Thank you very much. I think we'll give you a photocopy of all the, just we'll distribute the photocopy so you have in detail.